बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी संसदीय क्षेत्र चित्तौड़गढ़ दौरे पर रहे। यहां पर उन्होंने मणिपुर में मां भारती की सेवा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए सैनिक राधेश्याम गुजर के निवास गुजरखेड़ा नगरी पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की और परिजनों को सांत्वना दी। रूडगढ़ बालाजी में भगवान देवनारायण जी की कथा सुनी और विधानसभा बेगू की ग्राम पंचायत माधोपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर में पहुंचकर शिविर का अवलोकन व लाभार्थियों के साथ संवाद किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी गारंटी वाली गाड़ी देश भर में जरूरतमंदों के लिए वरदान साबित हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 सालों में जो कहा वो किया और जो राष्ट्रहित में जो नहीं कहा वह भी कार्य किया। जनता यूं ही नहीं कहती, सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, इसलिए लोग मोदी को चुनते हैं। आज देश की जनता को मोदी गारंटी पर पूरा विश्वास है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब देश के गरीब और किसानों का दर्द पता है। उन्होंने गरीब कल्याण के लिए काम करते हुए युवा और महिलाओं को मजबूती देने का काम किया है। हाल ही में मोदी सरकार ने महिलाओं एवं स्वयं सहायता समूह को ड्रोन उपलब्ध कराने की एक योजना जिसका नाम ड्रोन दीदी योजना है को मंजूरी भी दे दी है। यह ड्रोन कृषि कार्य उर्वरकों के छिड़काव आदि कार्य में उपयोग में किए जाएंगे। शीघ्र ही मोदी जी के सानिध्य में 15,000 माता बहनें दिल्ली में एक साथ एक घर छत पर ड्रोन उड़ा पाएंगी। देश में पुरुषों से ज्यादा महिलाओं के बैंक खाते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास और उज्ज्वला योजना में गैस कनेक्शन भी महिलाओं के नाम से ही मिलते हैं। धनी सुरक्षा योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, सुकन्या समृद्धि योजना सहित अनेक योजनाओं का लाभ भी महिलाओं को मिल रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि राजस्थान में भाजपा की डबल इंजन सरकार ने सत्ता में आते ही संकल्प पत्र में जनता से किए गए वादों पर काम करते हुए मात्र 450 रुपये में गैस सिलेंडर देने, पेपर लीक करने वालों पर त्वरित कार्रवाई करने के लिए SIT और अपराधियों को सजा दिलाने के लिए एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन करने जैसे अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत राजस्थान सरकार 25 लाख रुपये तक का इलाज मुफ्त में करेगी। आने वाले समय में और भी ऐतिहासिक निर्णय होने वाले हैं। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के साथ बेंगू विधायक डॉक्टर सुरेश धाकड़, जिला अध्यक्ष मिठूलाल जाट सहित क्षेत्र के अनेक भाजपा प्रतिनिधि, पदाधिकारी, कार्यकर्ता और आमजन उपस्थित रहे। मोदी जी की गारंटी की गाड़ी आज है और गारंटी कौन दे सकता है जिसकी गारंटी में देश की जनता विश्वास करती है और उस व्यक्ति का नाम है नरेंद्र मोदी। जिन्होंने 10 साल में जो कहा वो तो किया ही, जो नहीं कहा वो भी राष्ट्रहित में था, किसान के, गरीब के, माताओं के, युवाओं के हित में था, तो वो भी निर्णय किया। इसलिए देश की जनता कहती है कि सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, इसीलिए लोग मोदी जी को चुनते हैं। ये काउंटर यहां लगे हैं, मैं कई दफे कहता हूं कि 60 साल बनाम 10 साल, और दावे के साथ कह सकता हूं कि 60 साल में आपकी पंचायत में जितने खाते खुले हैं उससे ज्यादा इन 10 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने खुलवाए। 60 साल में जितने आपके गांव में उज्ज्वला पंचायत में उज्ज्वला के कनेक्शन आए होंगे, गैस के कनेक्शन होंगे, उससे ज्यादा इन 10 साल में मोदी जी ने गैस के कनेक्शन दिए। 60 वर्ष में जितने प्रधानमंत्री आवास आए होंगे, चाहे शौचालय बने होंगे, उससे ज्यादा इन 10 वर्षों में बने। वो क्यों बने हैं? वो इसलिए कि उस व्यक्ति को गरीब के किसान के दर्द का पता है, क्योंकि गरीब माटी कोट से जन्म लिया, इसलिए 10 वर्षों में सबसे पहला काम किया तो गरीब के कल्याण का काम किया, किसान के कल्याण का काम किया, महिला और युवा के सशक्तिकरण का काम किया। आज हम सब लोग यहाँ बैठे हैं, अभी सुरेश जी कह रहे थे कि ड्रोन उड़ाना है, ये तकनीक अगर मोदी से नहीं होती तो कई वर्षों के बाद आता। और आपको आश्चर्य होगा, नमो ड्रोन दीदी मोदी जी ये काम महिला बहनों को देने वाले हैं। और मोदी जी के सानिध्य में देश में 15,000 माता बहनें दिल्ली में एक जगह एक साथ ड्रोन को उड़ाई थी, 15,000। और ये ड्रोन क्यों? कि हम लोग कई बार ट्रैक्टर से, कई और संसाधनों से इसका छिड़काव करते हैं, दवाई का और सब चीजों का निगरानी भी रखते हैं, तो ये निगरानी का काम भी करेगा, ये दवाई के छिड़काव का काम भी करेगा, ये खाद के छिड़काव भी काम करेगा। अब नैनो यूरिया की बात की, तो नैनो यूरिया आने के बाद खाद तो कट्टू भी ला रहे हैं, यू भी ला रहे हैं, दो काम तो नहीं मिलेंगे।
ये तो नहीं खाते लाल के ऊपर थोड़ा ये भी लाइक उसको ये हो रहा है। अभी प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में दो चार दिन पहले कहा कि ऐसा करेंगे तो ये धरती दूसर हो जाएगी बरसात में। इसलिए मेरा आप सबसे आग्रह है, बड़ी संख्या में माता हमने बैठी है आज देश में पहली बार जितने बैंक में खाते पुरुषों के हैं उससे ज्यादा महिलाओं के बैंक में खाते होते हैं। आज प्रधानमंत्री आवास भी मिलता है तो माता बहन के नाम पर मिलता है, उज्ज्वला का कनेक्शन भी मिलता है तो उनका मिलता है, मुद्रा योजना में भी उनको लाभ मिलता है और अभी 450 रुपए सरकार बनते ही पहला निर्णय माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने किया कि अब 450 रुपए में उज्ज्वला के कनेक्शन का सिलेंडर। तो ये भाव जो मन में है और आने वाले समय में और भी कई ऐतिहासिक निर्णय होने वाले हैं।